ऐसे लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। हेलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल गाइज शाम के बज चुके हैं 7:30 और मम्मी जी बैठ चुके हैं अपनी आसन पे में, जो कि भगवान जी की पूजा कर रहे हो। मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पे आमंड ढूंढने। बादाम एक्चुअली पता क्या है, मम्मी के बादाम ना ये निकाल के रखे हैं मैंने। ये तो है ही, मम्मी ने बोला कि बादाम डाल दो क्योंकि उनको भी बहुत से काम करने होते हैं, मेरे से भी छोटा मोटा काम ऐसे करवा लेते हैं, कहीं ऐसे हो जाता स्किप हो जाता है। डेली तो खाने के लिए हम डालते ही हैं और जिसके कारण ही हमारे जो दिमाग है तेज चल रहे हैं, आप पता है मचक मचक करते हुए बातों को तभी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और गाइस वैसे हम ये इसलिए रख रहा हूँ, मैं ज़्यादा रखूँगा क्योंकि कल है श्राद्ध हमारे पापा जी के बाबा जी का, तो वो करेंगे, जिसके लिए मम्मी जी ने ये राजमा और माँ की दाल को रख दिया है निकाल के, कल ये बनेगी। श्राद्ध के दिनों में कितने स्वादिष्ट भोजन बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं, सब्जियाँ बनती हैं, दालें बनती हैं, मीठा बनता है। मैंने ये कुछ बादाम भिगोने के लिए रख दिए हैं, इतने बहुत है क्योंकि कुछ खीर में भी डलेंगे ना, अपने आप ही बंद हो गए। क्या बात, समझदार है ये भी, बादाम देख के ही अकल आ गई। आई थिंक इन्हीं को कह रहे होंगे फ्लेक्स सीड, है ना, इसमें पम्पकिन सीड सारे हैं, ये देखिए है ना, ये वाले मम्मी को बोले ये मत खाइयो क्योंकि ये मैं लेके आया था जब इस बार कश्मीर गया था। गुड मॉर्निंग मम्मी, क्या बात है, आज तो सुबह सुबह ही बना दिया सब कुछ। सब कुछ नहीं, अभी बढ़िया तो शुरू हो गया बनना। गोभी बनाओगे? गोभी हेल्प हो तो बताना। बताओ पहले, बेडशीट सेट कर दूं मैं, आ गया पहले। निकल भी हुई तू नहीं मिला, लेके आऊं फिर मार्केट से। तो फिर ऐसे खीर बनानी है, टाइम लगेगा फिर तो। कितना कितना दूध है ये? तो थोड़ा ही है। कितना चाहिए? किलो डेढ़ किलो दूध चाहिए। ये भी है, मार्केट चले आना मैं। हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। कल का व्लॉग स्टार्ट था और गाइस मैं भी अभी जस्ट रेडी हुआ क्योंकि थोड़ी सी हेल्प करवाई मम्मी के साथ, क्योंकि आपको पता है मम्मी सुबह से बिजी है सामान वगैरह बनाने में और अभी भी लगे हुए हैं, बहुत कुछ बना लिया। दिखाते हैं आपको क्या क्या इसमें। आई थिंक दाल है, बन गई दाल। चलिए गाइस, ये दाल बनाई मम्मी ने इसमें, और ये बना दी गोभी, क्या बात है, और ये बना दी खीर। एक्चुअली गाइस दूध नहीं मिला हमें, तो घर में जो दूध था तो फिर सेवियों वाली खीर बना दी, नहीं तो मम्मी ने दूसरी खीर बनानी थी। चलो ये भी अच्छी है। कितने लोग आ रहे हैं खाने के लिए? और इसकी रेसिपी कैसे बनाई मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, लेकिन क्या है कि सुबह ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जब मम्मी बना रहे थे। आज ये क्यों कर रहे हैं हम मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आज है हमारे बाबा जी का श्राद्ध, लगी हमारे पापा के जो बाबा जी थे उनका। और पंडित जी क्या चाहिए बता देना मेरे को। इंसान जब चला जाता है ना हमें छोड़ के, तो उनके लिए स्पेशली एक दिन बनाया हुआ होता है ताकि हम उनको याद कर सकें और हमारे घर के पकवानों के थ्रू उनको प्रसन्न किया जाए, है ना। और गाइस फिलहाल क्या है कि मम्मी ने ना और भी रोटियां थी रखी, मम्मी वो रख ली, 4-5 जगह रखनी थी। ये है गाय की, कुत्ते की, पक्षी की, ऐसे कुछ है, अग्नि की ऐसे और जल की ऐसे कुछ है। ये तो डेली देते हैं खाना, आज मैं बहुत दिनों बाद आया इनको खाना देने के लिए। देख रहे हैं मेरे को ये छोटे वाला भी, ये देखिए भाई एक को कहा है थोड़े को दो नहीं सी गया, गोभी खा खीरा खा भाई, कितना खड़ा मैं मेरी मैं तुम्हें खा ला, तू कहा खाई जाना। इसने भी खा लिया। ये छोटा बेबी, ये भाई मुंडा ब्याह वाला है, क्या नाम रखे है। गाइस अगर कोई रिश्ता मिलता है बताना। आजा, डर रहा है मेरे से, तेरी शादी की बात कर रहे तू डर रहा है। नहीं 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 नहीं, दिमाग गुस्से होगी। फिलहाल हम भी खाना खाते हैं, तो आज खाने में हमारे पास है ये सब कुछ। हाँ गाइस पंडित जी तो चले गए हैं और फिलहाल मैं खाना खा रहा हूँ। श्राद्धों के बारे में बहुत से लोग जानते हैं इनके बारे में। इन दिनों में पता क्या होता है, ये पितरों को टाइम दिया जाता है, जितने डेज भी होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनको याद किया जाता है, उनके नाम का खाना खिलाया जाता है। इन दिनों में कोई भी ऐसे काम नहीं किए जाते, जैसे नई गाड़ी खरीदना, कुछ भी ऐसा काम जो हमारे घर के लिए नया हो वो नहीं करते। स्पेशली ये वाले डेज, मतलब कि हम ना
उनके लिए देते हैं, इसलिए उनको नहीं करते कि चलो इनके नाम के है। और उसके बाद नवरात्रे आ जाएंगे, नवरात्रों के में किए जाते हैं कुछ भी, गाड़ी शॉपिंग, नवग्रह पूजन, सब कुछ और जो भी है। क्योंकि ये अगर हम सनातन को मानते हैं, अगर हम एंटी सनातन होंगे फिर हम ऐसे काम करेंगे कि जो हमारे सनातन के अगेंस्ट हो। होता तो कुछ नहीं, लेकिन इन दिनों में हमारी जो आस्था है हमारे पितरों के साथ जुड़ी हुई होती है। नवरात्रे आ जाएंगे, वो काम होते हैं, आप जो मर्जी करो उन दिनों में, गाड़ी खरीदो, जहाँ मर्जी घूमो, गोल्ड खरीदो, उद्घाटन करो, मुहूर्त करो, शुभ काम करो। ऐसे बात नहीं कि ये वाले डेज बुरे होते हैं, ये वाले डेज भी अच्छे होते हैं। इनमें क्या होता है कि हमारे पितरों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है, अगर हम उनके नाम को याद करते रहे, उनके नाम की पूजा करते रहे, उनके नाम का खाना खिलाते रहे। और उसके बाद आ जाएंगे नवरात्रे, फिर दिवाली, करवा चौथ, दशहरा, बस फेस्टिवल आने वाले स्टार्ट हो जाएंगे, रौन के आ जाएंगे। अब गाइज खाना खाते हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माई प्रीवियस व्लॉग। तो ये व्लॉग लास्ट 3 डेज से स्टार्ट है, और जो पिछला ब्लॉग आया था वो भी ऐसे 3 दिनों बाद आया था मेरा, और ये भी 3 दिन हो गया। आज तो इसको ख़त्म करके मैं डालूंगा ही, क्यों नहीं मेरा ब्लॉग आ रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, करते हैं ज़रा बात। इस 3 दिन में ना मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर रहा था और डाल रहा था। एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरे को ना अंदर से एक अलग सी घबराहट सी, अजीब सा लग रहा है। मेरा ना कैमरा उठाने को मन नहीं कर रहा, कैमरा उठा लूँ तो ब्लॉग बनाने को मन नहीं कर रहा, अगर बना भी लिया तो उसको बने बनाए को मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसे नहीं कि अंदर से ना पता नहीं क्या ही कह सकते हैं इसको, मतलब कि कॉन्फिडेंस सा नहीं है, ऐसी घबराहट सी, अजीब सा एक कॉन्फिडेंस सी। मेरे को ये लगता है कि क्या मैं रोज़ आपको एक ही चीज़ दे रहा हूँ, है ना। नो डाउट कि सारे ब्लॉगर ऐसे ही करते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए। नो डाउट मेरी एडिटिंग में भी कुछ आपने चेंजेस देखे होंगे, है ना। अगर मैं पीछे बोल रहा हूँ तो उसमें कुछ मैं पार्ट्स दिखा रहा हूँ, जब मैं शूट कर रहा हूँ तब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जब बोल रहा हूँ तब मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे, ऐसे तो ऑडियंस पीछे हो जाएगी, यही मेरे को टेंशन भी हो रही है और ये सब, है ना। फिर भी सोचा कि नहीं, अंकुश अगर काम नहीं करेगा तो कैसे होगा, है ना, करना तो पड़ेगा ही। अपने आप को खुद को मोटिवेट करता हूँ, बस यही रीज़न था कि 3 दिन से, परसों का था जब शुरुआत किया था, नहीं कल, परसों रात को स्टार्ट किया था, कल दोपहर तक बनाया, उसके बाद बनाया नहीं। आज सुबह से मैं कहीं गया हुआ था किसी ज़रूरी काम में होशियारपुर की तरफ, तो मेरे को 2-3 घंटे हो गए आए हुए, बट मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। मैंने सोचा क्या बनाऊँ, बट ऐसे अंदर ही हो रहा था कि मेरे को कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपका ब्लॉग नहीं आया, और दूसरा ये भी हो रहा था कि अब बना लूँगा, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, 2 दिन हो गए, आज भी रहने देता हूँ, बट नहीं यार ज़्यादा गैप नहीं डालना, फिर ज़्यादा गैप डलेगा नुकसान मेरा ही है, तो अच्छा नहीं लगता। बस मैं इन यही रीज़न था, मेरा ना ब्लॉग बनाने को मन ही नहीं कर रहा, कभी कभार ये लगता है छोड़ दूँ, छोड़ना भी नहीं चाहता, छोड़ भी नहीं सकता, अगर छोड़ दूँगा तो भाई क्या करूँगा, है ना, ये सब चीज़ें पता नहीं ऐसे अजीब सा, अब समझ सकते हो ना। बस सोच रहा हूँ, मैंने कल सारा दिन नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देखी, आजकल ना क्राइम वाले मूवीज़ होती हैं वो देख रहा था, उसी वजह से जब आज मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ज़्यादा देर मैंने मोबाइल वगैरह चलाया, मेरी आंखों से पानी निकल रहा था, हेडेक हो रहा था, अजीब सा लग रहा था। अभी जस्ट आके मैंने शावर वगैरह लिया, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग को ख़त्म करूँ। फिलहाल मम्मी किचन में है, खाना वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं रात का, तो खाना खाएंगे, और सुबह मैं निकल गया था, सुबह खाना वगैरह खा के मैंने शूट ही नहीं किया। क्या होता है होशियारपुर ट्रैवलिंग किया किसी के साथ, सनी सर के साथ गया होता, कुछ काम था, एक्चुअली उन्होंने स्पेन जाना है अभी, तो उसके रिगार्डिंग ही कुछ काम थे उनको, टूरिस्ट वीज़ा लेके तो वहाँ कुछ काम थे, यूरोप में जा रहे हैं वो, तो बस उनके साथ भाग दौड़ कर रहा था। मैंने सोचा कि चलो मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, बस घर पे अकेले मन नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था ना, घर बाहर चला जाऊँ तो घर को आने को मन करता, घर में रहूँ तो अजीब सा लगता है, पता नहीं कुछ करने को, ऐसे अब क्या ही बोलूँ, ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में, पर ऐसे भी नहीं होता। फिर मैं पीछे देखता हूँ, नहीं यार बहुत उम्र है, बहुत टाइम है। लास्ट ब्लॉग में भी आपने देखा होगा मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान था, हो जाती है ना, डिप्रेशन में आ ही जाता है इंसान, बट ऐसा नहीं है, मजबूत बनना है। आखिर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, अगर मैं ही डीमोटिवेट हो गया तो मैं आपको क्या इन्फ्लुएंस करूँगा, अपने जैसी जनरेशन को क्या इन्फ्लुएंस करूँगा, ये सोच कर ना मैं अपने आप को मजबूत बनाता हूँ, बस ये था। और कंचन के व्लॉग भी नहीं इसलिए आ रहे क्योंकि उसका भी वीडियो मैं एडिट नहीं कर पा रहा, मैं अपना नहीं बना पा रहा, उसका भी नहीं कर रहा। आज मैं बाहर था, आज संडे भी था शायद, उसने बनाया होगा वीडियो, तो बस ये सब चल रहा था। तो चले गए, बस ये छोटा सा अपडेट था, बस जैसे ही मैं सही हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जब बिल्कुल सही हो जाऊँ ना, बिल्कुल एनर्जी के साथ आपको एक अच्छा कंटेंट दूँ, ये बातें बना के कितनी देर आपको बताता रहूँ ना, ये सब था। और बस गाइस थोड़ा नाराज मत होना, वेट करना, ऐसे मत होना कि अंकुश के ब्लॉग नहीं आ रहे, कोई भाग जाओ इसको व्यूज़ ही नहीं दे, वो मेरे को पता हमारी ऑडियंस बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती है और हमारे साथ जुड़ी रहेगी।
चलिए गाइस फिलहाल छोटे से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को एंड गुड नाइट।